मध्य प्रदेश के रतलाम में जगह जगह गणेश पंडाल सज रहे हैं। गणेश की मूर्ति पंडाल के सामने तमिलनाडु के सीएम और उनके पुत्र दोनों के पोस्टर और फोटो के साथ नीचे रोड पर चिपका दिए गए हैं। कई फोटो रोड पर बड़े बड़े चिपके हुए दिखे, जिन पर से लोग वाहन लेकर और जूते चप्पल लेकर निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम के पुत्र को मालूम पड़े कि उनकी औकात क्या है। यहाँ आए दर्शन करने वाले लोगों और जनता के जूते चप्पल में दिखेंगे यह लोग। दरअसल स्थानीय निवासी मनीष पांचाल ने बताया कि सनातन धर्म को लेकर जो बीमारियों से तुलना की थी, तमिलनाडु के सीएम के पुत्र ने, उसे हम बहुत आहत हैं, आक्रोशित हैं, इसलिए हमने उनकी फोटो या जमीन पर लगाई है ताकि मालूम पड़े कि लोग उस पर से गुजरे हैं जूते चप्पल लेकर और उनको उनकी औकात मालूम पड़े। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। जी, जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, इनके सुपुत्र जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने हाल ही में एक सनातन धर्म के ऊपर जो शर्मनाक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो HIV एड्स और डेंगू की तरह है, तो उसका विरोध करने के लिए हमने उनका पोस्टर या सड़क पर लगाया ताकि जो लोग है उसको अपने जूते चप्पल से रौंदे, ताकि उस व्यक्ति को अपनी सही औकात का पता चले। क्योंकि जो उन्होंने बात कही है वो एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता, और ये हमारा सनातन धर्म ही है जो हमें ये शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार का विरोध करना सिखाता है। इसी जगह अगर कोई और धर्म होता तो शायद सर तंग से जुदा हो जाता। पंडाल के सामने रोड पे लगाने का मकसद, पंडाल के सामने लगाने का मेन हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये उदयनिधि स्टालिन है, इनकी जगह उस इतने बड़े संवैधानिक पद पर नहीं है, उनकी जगह सड़क पर है, क्योंकि ऐसे जो बयान दिया है ये ऐसे सड़क छाप नेता ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता, तो हम लोगों ने उनको उनकी सही जगह दिखाई है। Subscribe now to most exciting channel ever.